आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। मथुरा के एक व्यापारी ने आरोप लगाया है कि पुलिस उस पर तेजाब के हमले के आरोपी को मुकदमा दर्ज और वारंट जारी होने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं कर रही है। व्यापारी का आरोप है कि मुकदमे में आरोपी लोग उसे मामला खत्म करने के लिए चौथ वसूली की मांग करते हुए धमका रहे हैं और नोटबंदी के दौरान करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाकर उसे बदनाम किया जा रहा है, लेकिन उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। ये है मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके के रहने वाले सोने चांदी के व्यापारी अमित अग्रवाल। अमित का आरोप है कि उस पर आशीष अरोड़ा और उसके साथी उससे चौथ मांग रहे थे, लेकिन जब उसने आरोपियों को चौथ नहीं दी तो करीब 5 महीने पहले उस पर थाना मौंट क्षेत्र में तेजाब से हमला कर दिया था। इस मामले में अमित ने थाना मौंट में धारा 326 में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से वारंट भी ले लिया, लेकिन अभी तक आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे आहत अमित ने आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने पर पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी उससे मामला खत्म करने के लिए धमका रहे हैं। वहीं इसके साथ ही आरोपियों ने एक अपने अन्य साथी नीरज चतुर्वेदी को खड़ा कर कोर्ट से मुझ पर नोटबंदी के दौरान 100 करोड़ रुपए की धांधली करने का आरोप लगाते हुए मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश करा दिए, जो कि पूरी तरह से निराधार है, और मुझे बदनाम करने के साथ साथ तेजाब डालने के मुकदमे को वापस लेने के लिए साजिश रची जा रही है। इस मामले में जब कोर्ट ने अमित अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश कराने वाले नीरज चतुर्वेदी से जानकारी करने की कोशिश की गई तो वह मीडिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं हुआ। वहीं पुलिस इस मामले में कोर्ट से किसी भी तरह का आदेश न मिलने की बात करते हुए बोलने से बच रही है। देखिए, जो भी मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं सब निराधार हैं। असल में मामला ये है कि मेरे द्वारा थाना मार्ट में करीब 4 महीने पहले एक मुकदमा कायम कराया गया था, जिसमें कि आरोपियों के वारंट भी कट चुके हैं। ये देखिए, सारे आरोपियों के वारंट कट चुके हैं, पर इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। लगातार मुझ पर सामाजिक और अपने गलत तरीके दबाव बना रहे हैं कि इन पर ये मुकदमा मैं ख़त्म करा लूँ, राजीनामा कर लूँ। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, पर इसी मुकदमे को राजीनामा कर लूँ मैं, इसीलिए मेरे पर नया षड्यंत्र के तहत मुकदमा लगाया गया।